नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान पर। मेरा नाम है विनय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मीशो पे एड्स को सही तरीके से कैसे रन कर सकते हो, जिससे कि आप कम स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को ला सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोज को लाते रहते हैं। सो मीशो पे एड्स को रन करने के लिए सबसे पहले आपको मीशो के सप्लायर पैनल के अंदर लॉग इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कैंपेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ए न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर कैंपेन नेम डालना है। यहाँ पे जो आपका कैंपेन का नाम आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैंने कैंपेन का नाम यहाँ पे डाल दिया है मार्च 2023। और उसके बाद यहाँ पे मीशो आपको कैटलॉग रिकमेंड करता है, आप चाहो तो इनमें से चूज कर सकते हो, इसको रख सकते हो। अगर आपने कोई कैटलॉग यहाँ पे 30 दिन के अंदर लिस्ट करा है तो आप उसको इसमें देख सकते हो, न्यू कैटलॉग्स इंक्रीज व्यूज के अंदर। यहाँ पे 30 दिन के अंदर अगर आपने कोई कैटलॉग लिस्ट करा तो यहाँ पे आ जाएगा, करंटली अनअवेलेबल है। फिर उसके बाद मैनुअल सेलेक्ट कैटलॉग्स आते हैं, तो आपको यहाँ पे मैनुअली अगर अपने कैटलॉग्स को सिलेक्ट करना है जिन पे आप ऐड चलाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से आप अपने कैटलॉग को सिलेक्ट कर सकते हो जिन पे आप एड्स चलाना चाहते हो। तो यहाँ से मैं कैटलॉग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिन पे मैं एड्स चलाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैटलॉग सेलेक्ट कर लिए हैं। कुछ कैटलॉग्स आप चाहो तो और भी जितने चाहो उतने कैटलॉग्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी लिस्टिंग ज़्यादा है तो आप जितने चाहो उतने कैटलॉग्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो कैटलॉग को, उसके बाद यहाँ पे जब आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डेली बजट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप डेली बजट रख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि आप रखना चाहते हो। जैसे यहाँ 600 मुझे रिकमेंड कर रहा है, मैं यहाँ चाहूँ तो 300 भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर आप 300 करते हो तो ये कहेगा कि आपका जो चांसेस है ऑर्डर आने का, रिजल्ट अच्छा आने का, वो बहुत कम है। तो आप चाहो तो इसको 600 ही रख सकते हो, चाहो तो 500 रख सकते हो। आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो, जितनी मर्जी आपकी उतना रख सकते हो इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ड्यूरेशन, मतलब कि कब से कब तक ऐड चलाना चाहते हो। तो स्टार्टिंग डेट जो और टाइम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग डेट और टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद जब आप स्टार्टिंग डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे एंड डेट का भी ऑप्शन आता है। आप चाहो तो एंड डेट को छोड़ भी सकते हो, नो एंड डेट कर सकते हो यहाँ पे, और चाहो तो एंड डेट सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप एंड डेट सेलेक्ट करते हो तो नो एंड डेट ये जो है इसको अनचेक करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंड डेट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे एंड डेट आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 महीना, 2 महीना, जितने महीने बाद भी आप अपने एड्स को बंद करना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद कंटिन्यू टू सबमिट पे क्लिक करना होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो सेलर्स हैं मीशो के सप्लायर्स, वो एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इस कैंपेन को और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट पर क्लिक पे चला देते हैं, जिसके वजह से उनको उनके पैसे तो लग जाते हैं लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं आते। तो इसको आपको सिंपली क्लोज कर देना है, इसको कॉस्ट पर क्लिक वाला जो ऑप्शन है इसको क्लोज कर देना है। और इसको मैन्युअली यहाँ पे आप बिड को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट पर क्लिक को आप मैन्युअली सेट कर सकते हो। अगर ऑटोमेटिक हो जाएगा तो वहाँ पे आपके पैसे बहुत लगेंगे और आपको ऑर्डर्स उतने नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए आप इसको मैन्युअली सेट कर सकते हो। यहाँ पे आके जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0.8 सेलेक्ट कर दिया मैंने। इस तरीके से आप हर प्रोडक्ट का मैन्युअली सेट कर सकते हो कि कॉस्ट पर क्लिक कितना लगेगा वो आप यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको ये करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे सिंपली देखोगे कि जो आपका डेली एड बजट आपने सेट किया था वो फिर दोबारा से आपने 500 सेट किया था, 600 हो गया। तो आप चाहो तो 600 भी रख सकते हो, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, तो आपको पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसको 600 ही कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट, कंटिन्यू टू सबमिट पर क्लिक कर देना है। और इसी तरीके से जो आपका कैंपेन है वो सबमिट हो जाता है। एक बार जब आपका कैंपेन लाइव हो जाता है तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि आपको किस कैटलॉग पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और कितना बजट कौन से कैटलॉग यूटिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे क्लिक्स इतने हैं, ऑर्डर्स एक भी नहीं है। तो आप चाहो तो इनमें से किसी को बंद भी कर सकते हो, मतलब कि आपने 4 कैटलॉग्स पे एड्स चलाए और 4 में से 3 पे तो आपको ऑर्डर आ रहा है, 1 पे नहीं आ रहा, तो आप उनको बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो सबसे पहले वाला जो है इस पे मुझे क्लिक्स तो आ रहे हैं, ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ से जाके इसको बंद भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बजट ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे इसको आप बंद भी कर सकते हो। और अगर आप कैंपेन को पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कैंपेन को बंद करने के लिए आप सिंपली
पॉज कैंपेन कर सकते हो, यहाँ जाके क्लिक करके इस कैंपेन को बंद कर सकते हो। तो ये था पूरा मीशो पे आप कैसे कैंपेन चलाओगे उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे पॉज एनी वे पे क्लिक करना है और आपका कैंपेन पॉज हो जाएगा। सो ये पूरा वीडियो था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। हम इस चैनल पर ऐसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।